कि काटने नहीं आया वो छोड़ने आया है। आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 MP जीत जाते हैं, बताओ कांग्रेस के लोगों कितने सीट पर तुम्हारा और बीजेपी का मुकाबला हुआ। राजस्थान की हर लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई, मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? इनके जो राहुल गांधी है, जो पूरा भारत जोड़ो के नाम पर निकले थे, पूरे देश में निकले, खुद अपने पूर्वजों की पार्लियामेंट की सीट अमेठी से हार गए, क्या वहां पर ओवैसी गया था? नहीं गया था, फिर भी हार गए। और कहां से जीते? उस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान थे, जहां पर मुसलमान थे जीत गए और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग, याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों के सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये देश हमारा है, इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता है? मैं